आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में घर के बाहर खेल रही 4 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण के बाद सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर एसपी हेमंत शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर में नाकाबंदी करवा दी और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए मासूम बच्ची की तलाश शुरू कर दी। तो सर्किट हाउस के सामने रेलवे पटरियों के पास झाड़ियों में से मासूम बच्ची के साथ आरोपी को पुलिस ने धर दबोच लिया। बिहार का रहने वाला आरोपी जितेंद्र सिंह कुछ दिन पहले ही बाड़मेर आया था और उसने बदनीयत के चलते घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट के बहाने बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जो जांच है वो 1 घंटे में सुलझा दिया और 1 घंटे में मासूम बच्ची को सही सलामत बरामद कर आरोपी युवक को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये अपने घर के आगे खेल रही थी और अचानक इसको एक आदमी उठा के लेके गया, हमको पता नहीं चला। जब इसको ये आधे घंटे के बाद में देखा उधर उधर 10-15 मिनट बाद में तो ये मिली नहीं। कंट्रोल रूम और एसपी साहब कोतवाली वगैरह सब जगह न्यूज़ वगैरह में मीडिया वालों को सबको इतला कर दिया। तो उनकी माँ कोशिश से ये बंदा उस रोड चढ़ा और चढ़ते ही उस बंदे कैबिन वाले ने हमको इतला दी और मैं और मंगना राम जी दोनों ऑन स्पॉट जाके पहुँच गए और उसको वहाँ से पकड़े। फोन से इतला मिली कि नेहरू नगर में एक 4 वर्षीय बालिका को एक व्यक्ति बहला फुसला कर चॉकलेट के बहाने उसको ले गया है और उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। 1.5 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने उस शख्स को और उस बालिका को दोनों को